आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीआर के ऊपर फाइल लगाई हुई है, ठीक है जी, लेकिन जो रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक है जी, रिजल्ट मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था पहले वाली वीडियोस में, अब भी बता रहा हूँ 2022 जनवरी स्टार्टिंग से ही जिनकी फाइल 2019, 20, 21 के पुराने नए दोनों पोर्टल्स पर लगी है, सभी के रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन पीआर की फाइल्स में जो रिजल्ट नहीं आ रहे। लेकिन एक छोटी सी अपडेट है जो आज पीआर फाइल्स के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर पंजाबी स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल वीजा अप्रोच के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। तो बात करें, आप मेरे साइट पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, अटेंशन पीआर एप्लीकेंट्स, चेंज इन फैमिली कंपोजिशन, मैरिज, डिवोर्स, बर्थ, अडॉप्शन, डेथ में अफेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, टू एडवाइस अस ऑफ चेंज टू योर फैमिली कंपोजिशन, सबमिट अ वेब फॉर्म, कनाडा की जो वेबसाइट है उसका लिंक है, ठीक है जी, एंड अटैच ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। इसी के साथ एक सेकेंड अपडेट है जी, दिस कैन इंक्लूड कॉपी ऑफ अपडेटेड फॉर्म, अ वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट, पेमेंट और फॉर फीस, मैरिज, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप। इन दिनों में फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने 2020 में फाइल लगाई थी, ठीक है जी, कोविड से पहले, तभी क्या था फाइल के जो रिजल्ट थे पीआर के 6 मंथ से लेके 1 ईयर में आ रहे थे। अभी क्या है, जिनकी 2020 में भी फाइल लगी है, कोविड के टाइम पे भी 2020 निकल गया, 21 निकल गया, 2022 की स्टार्टिंग हो चुकी है। इन 2 सालों में अगर आपके फैमिली मेंबर में जो आपकी पीआर की फाइल है उसमें किसी की डेथ हुई है, ठीक है जी, उसको भी आपको अपडेट करना चाहिए, किसी का बर्थ हुआ है, ठीक है जी, आपने किसी को अडॉप्ट किया है, मैरिज हुई है, डिवोर्स हुआ है, ये सभी चीजें आपको अपडेट वाया वेब फॉर्म करनी चाहिए, ठीक है जी। इसके लिए जो फीस है, जो प्रोसेस है, वो आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, ठीक है जी। अपडेट करने में क्या रहेगा, एक तो आपकी चीज अपडेट होगी इन फ्यूचर, जब आपकी फाइल फॉर एग्जाम्पल की आपकी फाइल बहुत देर से प्रोसेस नहीं है, आज की डेट में वो प्रोसेस में जा रही है, ठीक है जी। प्रोसेस में एग्जाम्पल लेते कि अभी किसी एक हस्बैंड वाइफ की फाइल लगी हुई है, ठीक है जी, तो हस्बैंड वाइफ के हिसाब से वो फाइल प्रोसेस करे, उनको नहीं पता कि आगे उनका एक बेबी भी हो चुका है, ठीक है जी। सो वो अपडेट आपको ही डिस्प्ले करनी पड़ेगी कि हमारी फैमिली में अभी हस्बैंड वाइफ में एक फैमिली मेंबर और ऐड हो चुका है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपकी फाइल होप्स हो कि आपकी सक्सेसफुली जो है पीआर की फाइल कंप्लीट हो जाती है, सारी प्रोसेस हो जाती है, आपको पीआर भी मिल जाती है, लेकिन एट द एंड क्या होगा, आपके पास पीआर है, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके बच्चे का कोई रिकॉर्ड ही नहीं बोल रहा है, या आपकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है जी, अगर सिंगल पर्सन की किसी फाइल लगी है, अगर कपल की फाइल लगी, किसी का डिवोर्स हो चुका है, ठीक है जी, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपको साथ के साथ अपडेट करने चाहिए, जिससे कि आपकी फाइल है करंट अपडेट, करंट स्टेटस पे बोल रही होगी। अगर आपकी मैरिज हुई है या आपके बच्चे हो रखे हैं, तो आपकी आज की डेट में जो आपका रियल लाइफ में आपके फैमिली मेंबर्स है, वो ही करंट स्टेटस आपकी फाइल में बोल रहा होगा, जिससे क्या है कि जो वीजा ऑफिसर को फाइल में डिसीजन लेने में भी इजी रहेगा और आपके पास भी रिजल्ट जो है इजीली आ जाएंगे। इन केस मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, अगर किसी का बेबी हो चुका है, वो अपनी फाइल में दिखा ही नहीं रहा है, उसने कुछ अपडेट ही नहीं किया, उसको पीआर मिल चुकी है, ठीक है जी, अगर हस्बैंड वाइफ को पीआर मिल चुकी है, तो वो ना तो बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं, ना बच्चे को एड ऑन कर सकते कि हमें इसको साथ लेके जाना है, क्योंकि आप चाहे 6 मंथ का बेबी है, चाहे 3 मंथ का है, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट डॉक्यूमेंट आप फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसीलिए हर कंट्री की गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे रखी है कि चाहे बच्चा आपका 1 महीने का है, चाहे 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, हर किसी का पासपोर्ट बनेगा, क्योंकि वो इस कंट्री का सिटीजन है। अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना चाहता है, चाहे वो आज 6 मंथ का ही है, अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना चाहता है, तो उसको भी पासपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आपका कोई फैमिली मेंबर एड ऑन हो रहा है या किसी की डेथ हो चुकी, तो आपको ये चीजें अपडेट वाया वेब फॉर्म करनी है। अगर कोई फीस है, कोई अपडेशन के चार्जेस हैं, तो आप पे कर सकते हो, ठीक है जी। तो पीआर फाइल वालों की ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपडेट करोगे तो आपके लिए ही अच्छा है, आपकी फाइल ही इजीली प्रोसेस रहेगी, प्लस इन फ्यूचर आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डॉक्यूमेंट्स, कुछ नई प्रोफाइल, कुछ नए अपडेट स्टेटस के साथ।